तो चलो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है एक अच्छा सा क्वेश्चन है और ये बच्चे डाउट में जरूर लेके आते हैं। तो उनको क्यों डाउट होता है? क्योंकि इसका सही से एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं होता, बहुत लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो दैट्स वाई ये डाउट में लेके आते हैं। पर इसमें है क्या, उस चीज़ को मैं आज क्लियर कर दूंगा कि ए बॉडी इज वेट बाय द स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, और मास 1 kg। तो जब कभी भी स्प्रिंग बैलेंस आती है तो स्प्रिंग बैलेंस मास दो टाइप का होता है। मास जो है फिजिक्स में, ग्रेविटेशन में, दो टाइप का होता है। एक होता है इनर्शियल मास, ठीक है, और एक होता है ग्रेविटेशनल मास। तो ग्रेविटेशनल मास जो है वो चेंज हो सकता है, नियर बाई बॉडी से इफेक्ट हो जाता है, ग्रेविटेशनल पुल से इफेक्ट हो जाता है। बस प्रॉब्लम यही थी, ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो ग्रेविटेशनल मास मेजर करता है, ग्रेविटेशनल मास इसका मेजरमेंट करता है बच्चों, ठीक है, बस सिंपल सी बात है। और ये चेंज हो सकता है। तो ए बॉडी वेट 1 kg एट द नॉर्थ पोल, हाउ मच इल वेट एट द इक्वेटर। तो अगर मैं अर्थ, यहाँ से अर्थ बनाता हूँ, ये अर्थ बनाता हूँ, तो यहाँ पर एक बॉडी है जो ये जो है वो पोल है, तो दिस इज द पोल। तो पोल पर एक बॉडी है, तो इस बॉडी का अगर तुम देखोगे पोल पे, तो इसका वेट कितना है, एम जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एट पोल पर अगर देखोगे पोल, तो पोल की कहानी क्या है भाई? तो पोल की कहानी जो है, पोल पे जो वेट है वो एम जी के इक्वल है, मास 1 kg है, जी 9.8 है, तो ये 9.8 न्यूटन जो है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इज बेसिकली नथिंग, इट इज द एट पोल। व्हाट अबाउट एट इक्वेटर? तो अगर इक्वेटर पे बात करोगे तो इक्वेटर पे क्या हाल है भाई? तो इक्वेटर पे जो वेट आ जाएगा, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू एम जी डैश के इक्वल आ जाएगा। अब जी रोटेशन की वजह से कंसीडर करना ना, तो जी इज इक्वल टू एम जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैमडा, ये होता है, और लैमडा इज इक्वल टू जीरो फॉर इक्वेटर। ये वाली जो ये जो लाइन होती है, ये जो प्लेन होता है, ये यहाँ पर ये इक्वेटर है, तो ये इक्वेटर है। तो अगर कोई इक्वेटर पे आ गया तो उसको ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनर्शियल मास 1 था और जी ए 9.8, और माइनस अर्थ की रेडियस रखोगे 6400 किलोमीटर और 10³ ओमेगा। ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2π t का स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दूँ लैम्डा 1 से। तो फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा भाई, सॉल्व कौन करेगा? तो डब्ल्यू डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9.8 और माइनस 6400 × 10³ और 2 और पाई 3.14, और अर्थ का रोटेशन जो है वो 24 घंटे है, तो 24 और 3600 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेकंड का स्क्वायर। तो ये जो सॉल्व करने के बाद जो वेट आ जाएगा इक्वेटर पे, अब एक लंबी कहानी है, इसको सॉल्व कर लेना, जो वेट आ जाएगा वो आ जाएगा बेसिकली 9.767 न्यूटन। तो दिस इज बेसिकली द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इक्वेटर। तो है ये वेट। अब हमें चाहिए ग्रेविटेशनल मास, मतलब ग्रेविटेशनल मास जो है वो कितना है। तो उस मास की जो वैल्यू है वो बेसिकली, अगर मैं यहाँ देखना चाहूँगा, तो वेट डब्ल्यू अपॉन 9.8 से डिवाइड कर दूंगा, तो 9.767 इज इक्वल टू 9.8, और फाइनली जब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो 0.997 kg वो आएगा। वो ये जो मास आया ये कुछ नहीं है, ये एक एक ग्रेविटेशनल मास है, तो इस समय मास इतना होगा, और यही इसका सोल्यूशन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।